हरिद्वार अखाड़ा परिषद और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को कुंभ मेला 2021 के कार्यों को लेकर सीसीआर में बैठक की, जहां कुंभ कार्य में हो रही देरी को भी जल्द दूर दूर किए जाएगा। तो अखाड़ा परिषद की नाराजगी को लेकर मुख्यमंत्री और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया है। सीएम के मुताबिक अखाड़ों में भी जल्द ही स्थायी कार्य कराए जाएंगे। इसके बाद सोमवती अमावस्या जो 12 अप्रैल को है, इसकी शाही स्नान घोषणा की पूर्णिमा, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या ही होगी। मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी उनके कैबिनेट के साथ जो उनके अधिकारी थे, अखाड़ाओं के अस्थायी निर्माण के लिए आज निर्णय हो गया है और कैबिनेट जल्दी इस प्रस्ताव पास होने जा रहा है। सभी अखाड़ों में अस्थायी कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। आज शाही स्नान घोषणा की गई है, 4 शाही स्नान है, महाशिवरात्रि, अमावस्या, चैत पूर्णिमा, बैसाखी, अमौनी अमावस्या। शाही स्नान है और पर्व स्नान है, उन विषयों को लेकर बातचीत हुई है और आज मेरी विद्या सहयोगी जो आपको जिनसे आपको अवगत करा दिया गया है। बाकी जो निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहे हैं उनके बारे में संतों को जानकारी दी गई और संतों ने कुछ अखाड़ों से संबंधित जो स्थायी निर्माण वहाँ पर होने हैं उसके विषय हमारे सामने है, उसमें बहुत जल्दी सरकार दिया जाएगी।